हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। गाइस, आज है हमारे यहाँ पे गौरी का खाना और आप देख सकते हो गांव का नज़ारा। गांव में है ना छोटे छोटे से घर होते हैं, देखो गांव का नज़ारा पीछे से। हाँ, मैं आई हूँ हमारे टेरिस पे और आज पापा उठे नहीं है, नहीं तो मैं कल बात करने के लिए आई थी तो पापा उठ गए थे। मतलब पापा यहाँ पे बैठे थे, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली कि पापा यहाँ पे बैठे हैं। मतलब हमारे घर पे इतना कोई टेंशन नहीं है वैसे, उनके सामने ही मैं बात करती हूँ, बट होता है ना थोड़ा सा। एकदम से मैं वो हो गई थी, शॉक हो गई थी कि एकदम से यहाँ पर बैठे थे पापा और देखे पीछे से सारे घर। और सुबह सुबह यहाँ पर आरती वगैरह होती है तो वो क्या बोलते हैं माइक वगैरह लगा के तो आवाज़ सुनाई देती है यहाँ तक। और गांव में ऐसे ही माहौल होता है। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ तो काफ़ी लोग ऐसे देख रहे हैं इधर उधर से, ये क्या कर रही है सुबह सुबह मोबाइल के साथ। एक्चुअली क्या हुआ है कि हम लोग सुबह से 4 बजे से उठे, मतलब मेरी जेठानी 4 बजे उठी थी और उन्होंने मुझे उठा दिया था, तो मैं उनका नहाना होने तक तो मैं उठ गई थी फिर बाद में। और क्या हुआ था कि उसके बाद हम लोगों ने खाना, मतलब भगवान का जो खाना होता है ना, तो गौरी का खाना घर पे ही बनाना पड़ता है, मतलब घर वाले ही बनाते हैं वो सारा कुछ, घर की लेडीज़ मिलके। तो उसके लिए कुछ मतलब अलग सा वो क्या बोलते हैं पूरन पोली वगैरह छोटे छोटे सारी मतलब कुछ कुछ क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी में वो बनाना पड़ता है, तो इसी वजह से हम लोग ही बना रहे थे सारा कुछ। एक मिनट में कैमरा पूछ लेती, क्लियर नहीं आ रहा था शायद, तो इसी वजह से। और इसी वजह से वो हम लोग भी बनाते हैं तो वो लोग हम लोग बनाने लग गए थे। तो तीनों जेठानियाँ, मतलब मेरी 2 जेठानियाँ हैं बड़ी और सबसे छोटी हूँ मैं, तो हम लोग मिल के बना रहे थे वो। और मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा मेरा काम हो गया था तो इसी वजह से मैंने आपसे बात करने के लिए मैं ऊपर आ गई हूँ। और वो लोग बना ही रहे तो मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो ट्राईपॉड नहीं लाया है और कोई मतलब अभी बच्चों को भी उठाया नहीं है हमने, और बड़ों के हाथ में मोबाइल देना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से बच्चे उठ जाएंगे। तो मैं उनको बोल दूँगी कि क्या हम लोग करने वाले हैं आज, जो भी करूँगी तो थोड़ा सा शूट करूँगी और वॉइस ओवर करके मैं आपको बता दूँगी कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। तो ऐसा ही होता है, और सुबह सुबह उठना पड़ता है, सारी कुछ जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ती है, और फिर हम लोग मतलब सारा कुछ। और फिर लेडीज़ भी आ जाती है यहाँ की हमें हेल्प करने के लिए बाकी के, तो सारा खाना घर पे ही हम लोग बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं मतलब कोई क्या बोलते हैं तो वो कुक वगैरह नहीं रखते हैं, तो सारा खाना हम लोग ही बनाते हैं। बट हम लोग मतलब यहाँ पर ना भगवान के खाना बनाने के लिए काफ़ी सारे लेडीज़ हेल्प करती है, तो इसी वजह से कुक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाँव में, तो इसी वजह से। नहीं तो हमारे सिटी में तो कुक रखना ही पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी बड़ा खाना हो तो कुक रखना ही पड़ता है, नहीं तो कोई हेल्प नहीं करता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, गांव में सब मिलजुल के करते हैं काम, और कोई किसी के भी घर में प्रोग्राम हुआ ना तो पता नहीं चलता इतना, सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। और बाकी के लोग तो अभी भी सोए हैं, हम लोग ही उठे थे और हाँ अंधेरा था, तो इसी वजह से मैं ऊपर नहीं आ पाई और नीचे तो बात नहीं कर सकती थी क्योंकि सब लोग सोए थे, और अभी भी नीचे बात नहीं कर सकती हूँ, तो इसी वजह से कुछ लोग अभी भी सोए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया नहीं अभी कितने बजे हैं, अभी 6:30 भी नहीं बजे है गाइज, तो 6:15 बजे है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा उजाला होने का वेट कर रही थी कि चलो मैं ऊपर जाऊंगी और थोड़ा सा उजाला होगा तो आपसे बात कर लूँगी, तो बाद में तो बात करना नहीं होगा आज दिन भर, तो मेरा बात करना नहीं होगा क्योंकि गांव की लेडीज़ आ जाएगी तो उसके बाद तो उनके सामने बात करना अच्छा भी नहीं लगेगा, और वो लोग भी सोचने लगेंगे कि ये क्या कर रही है क्योंकि उन लोगों को ब्लॉगिंग वॉगिंग तो कुछ पता नहीं होगा इसी वजह से। तो कुछ लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर हूँ, मतलब तो सिलेक्टेड लोगों को ही पता है, तो उन लोगों को भी पता नहीं है कि मैं कैसे शूट करती हूँ वगैरह, बट बाकी के लोगों को तो पता नहीं होगा, इसी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पर शूट करना वगैरह। तो घर वालों को तो सारा लोगों को पता है कि यह हमेशा कैमरा लग के ही मतलब वो होती है, बट मैं अपने काम पूरे कर लेती हूँ और उसके बाद ही कैमरा लेती हूँ, तो आपको पता ही है कल मैंने पूरा काम कर लिया अपने, और जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैं पूरी करती हूँ। और
हाँ अच्छा लगता है गांव का माहौल। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आती हूँ, तो मतलब एक्चुअली क्या होता है कि इनके ड्यूटी की वजह से हम लोग सैटरडे संडे, तो पहले तो रेगुलर सैटरडे संडे आते थे। आप देखिए कवेलू वगैरह के घर, टीन वगैरह के घर, ये आपको सिर्फ गांव में देखने के लिए मिलेंगे और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सिर्फ गांव का माहौल ऐसा होता है। सिटी में तो कोई किसी से लेना देना नहीं होता है किसी का, और गांव में तो एक दूसरे के साथ मतलब इतने अच्छे से रहता है जैसे एक घर है वैसे ही रहते हैं सब लोग। और देखो पड़ोस की दीदी वगैरह हंस रही है मुझे देख के कि ये क्या कर रही है यहाँ पे। और हाँ बस यही है, बाकी तो कुछ बताने के लिए है नहीं। अभी मैं नीचे जाऊंगी और अभी भी थोड़ा सा बाकी है भगवान का खाना बनाना, तो वही बना लूँगी, मतलब दीदी को हेल्प करूँगी। अब तक हेल्प कर रही थी, बट यहाँ पर ना पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे गांव में, थोड़ा सा पानी मतलब नल है, तो इसी वजह से बोर वगैरह तो यहाँ पर किसी के यहाँ पे नहीं है। मतलब बोर वगैरह का काम भी नहीं पड़ता है गांव में, तो इसी वजह से नल है, तो नल का भी टाइम दिया होता है यहाँ पे। यहाँ का माहौल ही अलग होता है गांव का, तो इसी वजह से यहाँ पर नल का टाइम दिया होता है, तो नल जिस टाइम तक नल रहते हैं उस टाइम तक हमें पानी भर लेना पड़ता है। तो दीदी बोलती कि तुम पानी भर लो, जो कुछ मतलब आग लगेगा ना, तो थोड़ा सा ड्रम वगैरह कोठिया वगैरह भर के रखनी पड़ेगी पीने के पानी की वगैरह। तो इसी वजह से दीदी बोल रही थी कि आप पाइप वगैरह लगा दो, और मैंने दीदी को बोला कि नहीं रुको मैं बात करके आती, तो वो भी हंस रहे थे या इसका ये चलते रहता है। तो मैंने बोला कि एक बार मैं बात कर लूँगी ना, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं मेरे काम में लग जाऊँगी। तो बोले ठीक है आप आ जाओ बात करके, तो इसीलिए मैं ऊपर आ गई थी। तो चलिए फिर मैं अभी जाती हूँ नीचे, और मैं जो भी करूँगी आज, और हाँ आज ना मैं अपने हाथों से सब्जी बनाती हूँ, मतलब जो कोड़ा बोलते हैं ना, क्या बोलते कद्दू, हमारे मराठे में कोड़ा बोलते हैं उसे, कद्दू की सब्जी। इसमें मतलब गौरी के खाने में और घर में कोड़े की मतलब कोड़ा बोल रही हूँ, कद्दू की ही सब्जी बनती है हमारे यहाँ पे। और वो कद्दू की सब्जी ना तो मैं ही बनाती हूँ हमारे यहाँ पे, क्योंकि भैया को मेरे हाथों से बनी हुई सब्जी पसंद है। क्योंकि एक बार ना कुक को बोला था भैया ने बनाने के लिए, तो वो कुक के पीछे तो हमें लगना ही पड़ा था, मतलब ये दो वो दो, ये निकाल के दो उन्हें, वो निकाल के दो, बट ना उन्होंने सब्जी बिगाड़ दी थी। तो उस टाइम से भैया बोलता है कि तुम ही सब्जी बनाओ, और तुम्हारे हाथों से सब्जी बनी हुई अच्छी लगती है सबको, तो इसी वजह से मैं ही बनाती हूँ। और पता नहीं अभी नहीं अच्छी तो बनाती हूँ वैसे, बट कैसा रहता है कि एक टेंशन रहता है किसी के, मतलब कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं ना, तो उसका अगर कोई ज़्यादा ही तारीफ कर दे ना, तो बिगड़ने का डर रहता है। तो इसी वजह से वही मेरे साथ हो रहा है अब। तो मैं हमेशा ही मतलब हर साल ही मैं थोड़ा सा डरती हूँ कि जब तक सब्जी अच्छे से नहीं बनती है और जब तक कोई तारीफ नहीं कर देता है, तो तब तक मैं थोड़ा डरती हूँ कि कैसे। और इनका मतलब बाकी की सब्जी हम लोग टेस्ट करके देख सकते हैं कि कैसी बनी है, क्या है, नमक ज़्यादा है, वो तीखा ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ है। बट इस सब्जी का कैसा है कि गौरी के खाने तक तो हम लोग टेस्ट भी नहीं कर सकते और कैसी बनी है क्या बनी है, तो इसी वजह से थोड़ा सा टेंशन रहता है इसका। बट कोई बात नहीं, हो जाएगा, भगवान का मतलब वो आशीर्वाद ऐसे प्रसाद समझ लो, प्रसाद जैसा ही होता है, तो प्रसाद ही है। तो इसी वजह से थोड़ा सा मन में टेंशन रहता है, बट हो जाता है अच्छे से। और चलिए फिर अभी मैं नीचे जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से आप लोगों से बात कर रही हूँ और सब लोग देख रहे हैं इधर उधर से मुझे, तो इसी वजह से मैं नीचे जाती हूँ। और हाँ, पानी भी भर रहा है मेरा, तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बाद में, और जो भी करूँगी आज वो आपको दिखाई दूँगी। और थोड़ा सा बाहिस्सा और करूँगी मैं, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी इसी वजह से। और हाँ गाइस, थोड़ा सा है ना, मैं सुबह सुबह उठी थी तो मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, तो थोड़ा सा इग्नोर करना मेरे लाइनर को, क्योंकि मैं थोड़ी देर के बाद वॉश करने वाली हूँ इसे। और जब तक अभी क्योंकि लाइनर थोड़ा सा बिगड़ गया इधर उधर से, बट मुझे टाइम नहीं था इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी मैंने किया। और वो सूखने का वो आपको तो पता ही है, मैं इंस्टा लाइनर यूज़ करती हूँ, तो वो जल्दी ड्राई नहीं होता है, तो ऐसे पल के अगर हम लोग उठाते हैं ना, तो वो इधर उधर लग जाता है, तो इसी वजह से वो लग गया है इधर उधर। और प्लीज़ माइंड मत करना अभी, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि ब्यूटी ब्लॉगर मतलब आपको मेकअप सिखाती हूँ और खुद ही मेकअप आड़ा टेढ़ा करती हूँ, बट
वो मुझे दिखा नहीं, इसी वजह से ऐसा हो गया है। मुझे अभी दिख रहा है क्योंकि अंधेरे में ही थे अब तक मैं, तो इसी वजह से। और दीदी ने भी मुझे बताया नहीं क्योंकि दीदी का भी ध्यान नहीं है। हम लोग मतलब वो करने लग गए थे, सारा कुछ करने लग गए थे, तो इसी वजह से दीदी ने भी ध्यान नहीं दिया, तो दीदी ने भी बताया नहीं, किसी ने भी बताया नहीं मुझे। और अभी मैं देख रही हूँ तो लाइनर टेढ़ा मेढ़ा लग गया है, तो जाने दीजिए, मैं थोड़ी देर के बाद वॉश कर लेती हूँ, बट अभी फ़िलहाल तो मुझे टाइम नहीं है। तो चलिए मैं जाती हूँ नीचे और मिलती हूँ आपसे बाद में। हे गाइस, यहाँ पर मैं नीचे आई तो यहाँ पर मैं बना रही थी, मतलब मोदक फ्राई करने वाली थी, तो वैसे ही मैं आपसे बात करने चली गई थी। और यहाँ पर जो मेरी बीच वाली जेठानी है वो भी आटे का कुछ बना रही है, मतलब यहाँ पर वो फल बोलते हैं वही बना रही है। और यहाँ पर मेरी बीच बड़ी जो जेठानी है वो दिए बना रही है आटे की ही, तो गौरी के लिए आटे के दिए लगते हैं तो इसी वजह से वो दिए बना रही है। और यहाँ पर मैं अभी बेसन मैंने भिगो दिया था, तो बेसन के पकोड़े बनाने वाली हूँ भगवान के लिए ही, और बाद में मैं मोदक फ्राई करूँगी। तो यही हम लोग कर रहे थे और इधर मजाक भी चल रही थी हमारी, और ईशु के हाथ में हमने फ़ोन दे दिया था शूट करने के लिए, तो ईशु थोड़ा सा शेक कर रही है। मतलब सुबह सुबह का टाइम था, कोई भी उठा नहीं था इस टाइम में, हम लोग ही उठे थे और हम लोग ही काम में लग गए थे, और उस टाइम कोई भी उठा नहीं था नींद से, तो इसी वजह से मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी कि शूट करो। बट जब इशू उठ गई थी तो मैंने उसको बोला कि शूट करो। और यहाँ पर सॉरी गाइज, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा आपको दिख रहा है। और यहाँ के किचन में प्रॉपर लाइटिंग भी आती है, मतलब सनलाइट जो होता है तो इतना अच्छे से नहीं आता है। तो और सुबह का भी टाइम था तो इतना उजाला भी नहीं हुआ था, इसी वजह से लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट प्लीज़ माइंड मत करना, आप समझ सकते हो। और यहाँ पर हम लोग काम ही कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, यहाँ पर हम भाग दौड़ ही हो रही थी हमारी, मतलब जल्दी जल्दी करना भी था क्योंकि भगवान का जो खाना होता है वो घर की लेडीज़ मतलब घर की लेडीज़ मिलके ही बनाती हैं इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कि सब्ज़ी मेरे हाथ की होती है, तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी का मसाला बना रही हूँ, और बहुत सारी सब्ज़ी होती है, मतलब पूरा जो पतीला है वो भर के सब्ज़ी होगी। और प्लीज़ मेस को माइंड मत करना क्योंकि इतना सारा खाना बनाने के टाइम मेस तो हो गए है। और यहाँ पर जो अड़ोस पड़ोस की लेडीज़ है वो क्या बोलते हैं उसे, रोटियां बना रही है। यहाँ पर जो आपको दिख रही है वो पड़ोस वाली लेडीज़ है, वो रोटियां बना रही है, और यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारा, इतना बड़ा पतीला है, और इतने बड़े पतीले में मैं चेयर पे बैठ के सब्जी बना रही हूँ क्योंकि नीचे बैठ के तो हो ही नहीं पा रहा था, तो इसी वजह से। और मैंने अगेन इस बोला था कि थोड़ा सा शूट करके दो आप, और देखिए कद्दू सा कितने सारे उसमें डाले हैं, और मतलब मुझे वो भी नहीं करना आ रहा है, उसे पलटाना भी नहीं आ रहा है, फिर भी हो रहा था, और बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस सब्ज़ी। और यहाँ पर देखिए ये रोटियाँ है, रोटियाँ बन रही है, और सारे, और हमारे यहाँ पे मतलब कोई किसी भी चीज़ के लिए मेटलिंग लगानी पड़ती है, मतलब रोटियां बनाने के लिए भी नहीं और किसी भी चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, बाकी की चीज़ें सारी कोई मेरी सास बना लेती है और कुछ मेरी जेठानियाँ बना लेती है, और रोटियां जो है वो अड़ोस पड़ोस के लोग आके बना देते हैं, मतलब लेडीज़ आके बना देती हैं। और सारा खाना यहाँ पर बन गया था, और यहाँ पर सिर्फ हम लोग गौरी का जो मतलब थाली है वो सजा रहे थे, तो यहाँ पर गिनती होती है, मतलब गिन के सारा कुछ रखते हैं। तो जो छोटी वाली गौरी है उसे 17 की मतलब 17 देते हैं, और बीच में उनका वो होता है क्या बोलते हैं गणेश बोलते हैं, तो गणेशा को 9 का आंकड़ा मतलब 9 9 की क्वांटिटी में देते हैं, और बड़ी वाली जो गौरी है उन्हें 16 के क्वांटिटी में, ऐसे ही होता है। तो मेरी जेठानी वही मुझे बता रही थी कि ये इस साइड में रखना है, वो उस साइड में रखना है, क्योंकि मुझे ना पता नहीं था, मतलब एक्चुअली उन्होंने गिन के रखा था और मैंने उनको पूछा नहीं, ऐसे ही लेके आई थी सारा कुछ। और वहाँ पर मुझे मेरी जेठानी बता रही है कि ये यहाँ का उठाया क्या है, वहाँ वो वहाँ का उठाया क्या, तो वैसे करके। और हाँ, मैंने ये साड़ी पहनी थी तो मतलब मैं पूरा लुक आपको दिखाई नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर इतनी मतलब जल्दबाजी हुई ना सारे चीज़ों के लिए, और जल्दी जल्दी भैया बोल रहे थे कि हमें आरती करनी है, आरती करनी है, और जल्दी से फिर खाना खाने के लिए भी लोग आने वाले थे, तो इसी वजह से जल्दी से आरती करनी थी, और हमें इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी गिन रही थी सारी चीज़ें, क्योंकि दीदी ने तो गिन के रखा था बट कहाँ कौन सी चीज़ गिन के थी तो वो मुझे पता नहीं था, दीदी दूसरे काम में लग गई थी और मैंने सारा कुछ इधर उठा के लेके आई थी मैं, तो
तो इसी वजह से सारा कुछ मैंने सजा तो दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे इस तरह से मैंने थालियाँ सजाई है, मतलब गौरी की, और सारी लेडीज़ आ भी गई थी उस टाइम तक, और मैं बहुत ही हड़बड़ा गई थी कि कैसे करूँ अब, और रंगोली भी निकालनी थी, तो मैं सिंपल सिंपल सी यहाँ पर रंगोली निकाल रही हूँ। और ईशू भी मेरी हेल्प कर रही है, मेरी जेठानी की बेटी, तो वो कलर भरने में हेल्प कर रही है मेरी, और यहाँ पर मैं रंगोली निकाल रही हूँ। तो मैं मुझे गाइज इतने अच्छे से रंगोली नहीं आती है, प्लीज़ माइंड मत करना, नहीं तो आप बोलोगे कि यार ये क्या निकाल रही हो। तो हाँ, इस तरह से मैं रंगोली निकाल रही हूँ, और आजू बाजू में रंगोली शुभ मानी जाती है, शुभ होता है रंगोली निकालना, और हर चीज़ में भगवान की इसमें तो रंगोली होनी ही चाहिए हमारे साइड में, तो इसी वजह से रंगोली निकाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने दे दिया था मतलब कैप्चर करने के लिए, तो वो मेरा जेठानी का बेटा शूट कर रहा है, तो वो थोड़ा सा मतलब शेक कर रहा था, तो प्लीज़ वो भी माइंड मत करना, क्योंकि आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है और उसे भी आदत नहीं है, इसी वजह से वो ऐसे शूट कर रहा है। थोड़ा सा स्लो शूट करना चाहिए था उसने, बट नहीं शूट कर पाया वो, उसको आदत नहीं इसी वजह से, और उसे बोलना पड़ रहा था कि ये शूट करो, तो वैसे ही कर रहा था वो। आप देख सकते हो कितने अच्छे से थाली सजी हुई है, और ये जो है दिए जो बनाते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, आटे के बनाते हैं, तो आटे के दिए यहाँ पर बनाते हैं, और 41 की क्वांटिटी में रहते हैं दिए, तो 41 दिए यहाँ पर लगाने पड़ते हैं हमें, और ये हमने दिए भी लगा दिए हैं, और मैं यहाँ पर दियों में तेल लगा डाल रही हूँ कि ताकि वो दिए जब तक हमारी आरती हो मतलब हो जाए तब तक वो दिए जलते रहने चाहिए, तो इसी वजह से हमें तेल डालना पड़ता है बार बार वहाँ उसमें, तो इसी वजह से इसमें मैं तेल डाल रही हूँ, क्योंकि भर के रखना पड़ता है वो दिए, और जब तक हमारी आरती नहीं होती है तब तक वो दिए जलने चाहिए। तो आरती काफ़ी सारी थी, पाँच पाँच आरती शायद, हाँ पाँच आरती बोलनी पड़ती है, तो इसी वजह से तब तक वो दिए जलने चाहिए। और यहाँ पर सारा कुछ रेडी है गाइस, और आरती हो गई है यहाँ पे हमारी, तो उसके बाद मैं ये शूट कर रही हूँ, और आप देख सकते हो आरती होने के बाद का लुक काफ़ी अच्छा सा लुक आ रहा है, और काफ़ी अच्छे लग रहा था उस टाइम में, बहुत ही अच्छा लग रहा था घर में, वातावरण जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया था। और उसके बाद हम लोग मतलब यहाँ पर हाँ, और हाँ गौरी का खाना भी हो गया था उस टाइम तक, और उसके बाद ना गौरी का खाना होने के बाद दो जो सुहासिन बोलते हैं उसे, तो वो दो गौरी बिठानी पड़ती है खाना खाने के लिए, तो वो मम्मी कर रही थी, और मेरे घर में कोई प्रोग्राम हो और मैं गाँव में जाऊँ और श्रीविदा को कैप्चर ना करूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर श्रीविदा खेल रही थी, बहुत ही अच्छे से हंस रही थी मेरे साथ, मतलब बातें कर रही थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा उसको भी शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा, और ये देखे उसका लुक आज का, और बहुत ही क्यूट लग रही थी उस टाइम में वो। पहली खाना जो है वो हो चुका है गौरी का, गौरी का, और एक मैंने, और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो अब हम लोग भी घर वाले जो है खाना खाने ही वाले हैं, और आप देख सकते हैं और हम लोग भी अभी खाना खाने वाले, सारे लोगों का खाना हो चुका है, और सब लोग खाना खाने के बाद लास्ट में हम लोग खाना खाते हैं, तो इसी वजह से हम लोग अभी थोड़ी देर में खाने खाएंगे। और हाँ, मैं मेरे फेस से आपको दिख रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, अभी एनर्जी बिल्कुल नहीं बची है, फिर भी मैंने सोचा इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, तो इसी वजह से तो चलिए फिर अभी इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए ये बच्चे भी हैं, तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। चलिए फिर, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके मैं उस पर मैं अपने केला अच्छा तो उस पर मैं अपने क्या बोल रही थी, मैं भूल गई, बच्चे ना इतने परेशान करते हैं, जब भी मैं आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ तो इसी वजह से मैं, और हाँ मैं बोलने वाली थी कि उस पर मैं अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ, उस पर मैं मेकअप ट्यूटोरियल, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस और हॉल वीडियोस, और सॉरी, तो आप चाहो तो उस पर सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।